दोस्तों नमस्कार, मैं विवेक, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज बिहार के 24 सीटों की गिनती हो रही है। एमएलसी के 24 सीटों की गिनती में जो रुझान और जो खबर निकल कर आई है कि कटिहार से भाजपा के अशोक अग्रवाल और पूर्णिया से भाजपा के दिलीप जायसवाल चुनाव जीत चुके हैं। अशोक अग्रवाल और दिलीप जायसवाल तीसरी बार विधान परिषद के सदस्य बन गए हैं। कटिहार के भाजपा उम्मीदवार अशोक अग्रवाल ने कुंदन यादव को राजद उम्मीदवार को चुनाव हराया है। अशोक अग्रवाल को 1600 मत मिला तो कुंदन यादव को 900 मत और कांग्रेस के सुनील यादव को 800 कुछ मत प्राप्त हुआ है। उसी तरह दिलीप जायसवाल पूर्णिया में जीत गए हैं, उन्होंने राजद के सुभान को हराया है। लगातार तीसरी बार अशोक अग्रवाल ने भाजपा के झंडा को बुलंद कटिहार में किया है और एनडीए की बड़ी जीत इस कटिहार पूर्णिया में हुई है, जो चौंकाने वाली जीत कही जा सकती है। दिलीप जायसवाल भी तीसरी बार जीते हैं, अशोक अग्रवाल भी तीसरी बार जीते हैं। अशोक अग्रवाल ने कुंदन यादव और सुनील यादव को हराया है, वहीं दिलीप जायसवाल ने राजद के सुभान को चुनाव हराया है। कुंदन यादव सुनील यादव ने भी काफ़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ चुनाव लड़ा। नए खिलाड़ी थे, 900 और 950, 800 850 मत लाने में सफलता प्राप्त किया, लेकिन अशोक अग्रवाल पुराने राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने जमीनी तरीके से चुनाव लड़कर जीत हासिल कर ली है। यह सबक अन्य पार्टी के नेताओं के लिए है कि वो जमीनी काम करके मतदाता को अपने पक्ष में करके जीत हासिल कर सकते हैं। जो उदाहरण अशोक अग्रवाल ने पेश किया वह सीखने के लिए उदाहरण माना जा सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।